गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी पहली फीचर है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अगली फीचर है कि इसमें गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स आर फॉर्म। और अगली फीचर यह है कि इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो मियोसिस होता है, मियोसिस स्टेज पे, वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड। ये इसके चार मेन पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। गैमिट्स फॉर्म्ड होते हैं। गैमिट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जिसके पास क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट है, इसको हम एन कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिंगल सेट है ये आगे चल के क्या होता है, जब दूसरे सिंगल सेट वाले सेल्स यानी कि दूसरे गैमिट से फ्यूज होता है तो उसके बाद ये बन जाता है डबल सेट, यानी कि 2n, n प्लस n 2n। और ये जो 2n सेल्स होता है ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में पहला डिप्लॉयड सेल होता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद है मियोसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस का मतलब है कि रिडक्शन डिवीजन का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना, ठीक है, ये मियोसिस में होता है। इसके बाद यानी कि इस तरह का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। आधे होने की जरूरत ये है कि सपोज करो n और n, ये दो गैमीट हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिले 2n, है ना। अब ये जाइगोट जो है ये डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर क्या है हर एक सेल में 2n, ठीक है। अब अगर ये जो 2n है ये अगर हाफ ना हो, यानी कि इसके गैमिट्स 2n ऑर्गेनिज्म के गैमिट्स अगर n ना बने तो इसके गैमिट सारे कैसे रह जाएंगे 2n। और आगे चल के जब ये दूसरे 2n वाले से फ्यूज करेगा गैमिट से तो वो क्या बन जाएगा 4n। तो ऐसे तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा, तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखने के लिए मियोसिस होता है जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन इज प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे मेन स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम है फ्लावर। तो फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, फ्लावर शूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। जैसे एक शूट के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होती हैं और लीव्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं, जिन पॉइंट्स से लीफ अराइज होती है उनको नोड्स कहते हैं, उनके बीच की पोजीशन को इंटर नोड्स कहते हैं। तो फ्लावर के केस में भी फ्लावर भी एक तरह की शूट है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर जो लीव्स हैं वो पेटल्स सेपल्स में मॉडिफाई हो गई, और इसके अलावा उन्होंने बना ली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको स्टेमेन और कार्पेल कहा जाता है। तो डिप्लॉयड सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसका डायग्राम ये तुम्हारी बुक में दिया है। और इस डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बीच में मौजूद स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके आसपास काफी सारे प्रेजेंट होते हैं स्टेमेंस। स्टेमेंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें ये तो है एंथर और ये है फिलामेंट। तो जिन फ्लावर्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे फीमेल वाला और मेल वाला, उनको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर।
जिनके अंदर एक पाया जाएगा उनको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल ऑर्गन होगा तो मेल फ्लावर, फीमेल ऑर्गन होगा तो फीमेल फ्लावर। इसके अलावा बाहर की तरफ जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि पेटल्स का पेटल्स क्योंकि कलर्ड होते हैं इसीलिए उनका फंक्शन होता है पॉलीनेटिंग एजेंट्स को जैसे कि इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट करना अपने ब्राइट कलर की वजह से ताकि वो आए नेक्टर लेने के लिए। लेकिन असल में वो क्या करते हैं वो पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लें और दूसरे फ्लावर पे जब जाएं तो वहाँ ट्रांसफर कर दें जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा फंक्शन क्योंकि ये अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। और फिर आते हैं सेपल्स, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? फ्लावर के अंदर वाले पार्ट्स का प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तो बात हुई बाइसेक्सुअल फ्लावर की। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो फिलामेंट होता है ये ओवरी के बेस से यानी फ्लावर के बेस से एंथर को जोड़ के रखते हैं। एंथर वो होता है जिसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। इसी तरह से अगर हम फीमेल पार्ट को देखें तो स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है कि स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। वो पोलन ग्रेन जो कि कहाँ से रिलीज होंगे? एंथर के अंदर से। स्टाइल का फंक्शन ये होता है कि स्टिग्मा को ओवरी तक से कनेक्ट करता है और एक पाथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ये पाथ प्रोवाइड करता है। ओवरिंग में प्रेजेंट होता है फीमेल के लिए और यहाँ पर क्या प्रेजेंट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन। ओवरी में चूंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब सीड फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। तो ये है अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन। अब आती है बात पोलन ग्रेन के ट्रांसफर की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होगा तो इस एक सेल से बनेंगे चार माइक्रोस्पोर और हर एक माइक्रोस्पोर जाके बनेगा एक पोलन ग्रेन। एक बार फिर देखते हैं एंथर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर होगा मियोसिस। उन सेल्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एमएमसी और उनमें मियोसिस की वजह से एक सेल के मियोसिस की वजह से बनेंगे चार माइक्रोस्पोर, है ना, और चार माइक्रोस्पोर बनेंगे चार पोलन ग्रेन। तो हर एक माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन बना रहा है तो चार माइक्रोस्पोर बनेंगे चार पोलन ग्रेन। ठीक है, इस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं। अब फीमेल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें ओवरी के अंदर तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू जिन्हें कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जैसे कि ये थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसी मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और इस मियोसिस की वजह से बनेंगे चार मेगास्पोर्स, जैसे यहाँ चार माइक्रोस्पोर बने थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं क्योंकि प्लांट का ही पार्ट होते हैं तो ये होते हैं डिप्लॉयड और ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये होते हैं हैप्लॉयड। ठीक है, तो इसीलिए पोलन ग्रेन के अंदर जो मेन गैमेट प्रेजेंट होगा वो भी होगा हैप्लॉयड। अब यहाँ देखो मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पर एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर, यहाँ पर एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो मेल की बात हो रही है फीमेल की बात हो रही है तो ये चार मेगास्पोर्स बनेंगे, ये चारों भी होंगे हैप्लॉयड लेकिन इनमें से तीन हो जाते हैं डीजेनरेट, चार में से तीन डीजेनरेट यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अब एक जो होता है वो किसको जन्म देता है फिर
उस स्ट्रक्चर को जन्म देगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट होगा। वन गिव्स राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर। उस फीमेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है एग और दूसरे सेल्स जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में पॉलिनेशन के बारे में देखो, पॉलिनेशन में क्या होता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस केस में सपोज ये पिस्टिल है यानी कि कार्पेल है और यहाँ पर है स्टैमेन, तो उस केस में चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है अपनी पॉलिनेट अपनी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगी, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ऑटोगेमी, ठीक है। इसका दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर का पॉलन ब्रेक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाए, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये है दो टाइप के पॉलिनेशन। इसके बाद हम करते हैं अभी इसके, ये जो पॉलिनेशन होता है ये किन एजेंट्स के थ्रू होता है? पॉलिनेशन होता है वेट के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्लावर है। अगर फ्लावर कलर्ड होता है तो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर फ्लावर कलर्ड नहीं है लेकिन उसमें स्मेल आ रही है तो वो रात को खिलता है क्योंकि रात को इंसेक्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती और कलर दिखेगा भी नहीं तो वो स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तो अक्सर तेज़ खुशबू वाले फ्लावर रात को खिलते हैं, दिन में वो खिलते हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो ये अलग अलग फ्लावर्स के खिलने का मैकेनिज्म है क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। पॉलिनेशन के बाद होती है पॉलन ट्यूब जनरेट। पॉलिनेशन के बाद सपोज करो कि ये स्टिग्मा था और ये स्टाइल और ये ओवल, यहाँ पर पॉलन रे आकर गिरे किसी स्पीशीज के थे या किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स ने ट्रांसफर कर दिए, तो इनमें से सबकी सबका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। पॉलन ट्यूब का मतलब वो ट्यूब जो कि पॉलन ग्रेन्स के गैमेट्स को नीचे तक लेके जाएगी, लेकिन सिर्फ एक पॉलन ट्यूब होगी जो सक्सेसफुल होगी नीचे तक आने में और ओवरी के अंदर मौजूद जो ओव्यूल्स हैं उन ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल गैमेट है वहाँ तक मेल गैमेट को लेके जाने, ठीक है। तो यहाँ से जब ये नीचे आ रहा होता है उस समय मेल गैमेट्स नीचे आ रहे होते हैं और उन मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ क्या होता है? फ्यूजन, और जिस वजह से क्या बनता है फिर जायगोट, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट दिया इन्होंने फर्टिलाइजेशन की वजह से जायगोट बन गया। अब देखो ओवरी के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, अगर ये ओवरी है तो ओवरी का अगर हम बड़ा पार्ट बनाए तो इसमें ये जो पॉलन ट्यूब है वो इधर से एंटर कर और मेल गैमेट्स को लेके आ रहे हैं। यहाँ सामने तीन सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये एक ओव्यूल का है ना, ऐसे कितने ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। इधर साइड से जहाँ से सेल्स एंटर ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है यहाँ दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं सिनर्गेट। सिनर्गेट की स्पेलिंग है SYNERGIDS और एंटीपोडल की स्पेलिंग है ANTIPODAL एंटीपोडल सेल्स।
इसके अलावा यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है एग, फीमेल के बीच, ये बीच वाले सेल को नाम देते हैं सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। एग और सिनोजिट दोनों को मिलाकर कहते हैं एग एपेरिकल। और इस साइड में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है कि इस पोलन ट्यूब को इधर से गाइड करना, यानी कि रास्ता दिखाना कि एग इस तरफ है, मेल गैमेट्स को लेके इस तरफ आओ। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिलिपॉर्म एपेरेटस। फिलिपॉर्म एपेरेटस मतलब वो स्ट्रक्चर जिसका काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा उसकी ग्रोथ। देखो ओव्यूल जो थे वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे, फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनाएंगे सीड। ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट था तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएगी, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ओव्यूल मैच्योर हुआ सीड में और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट और जाइगोट के अंदर फिर स्टार्ट होगी डिविजन्स। जाइगोट के अंदर होंगे डिविजन्स। डिविजन्स मतलब वो एक सेल जो जाइगोट कहलाता है वो जाके बनाएगा फिर कई सारे सेल, ठीक है। वो एक बनाएगा सेल्स का मास, है ना, उसको हम क्या कहेंगे एम्ब्रियो। इन डिविजन्स की वजह से वो बन जाएगा एम्ब्रियो। और ये जो डिविजन्स होती है किस तरह का सेल डिविजन होता है, ये होता है माइटोसिस। यहाँ क्रोमोसोम नंबर रहता है कॉन्स्टेंट क्योंकि जाइगोट 2n है, एम्ब्रियो भी 2n होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ये तो मैंने बता ही दिया। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट व्हाइल द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन। तो सूटेबल कंडीशन आने पे सीड क्या होंगे, जर्मिनेट और ये बनाएंगे एक नया प्लांट। जब उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर की या फिर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन मिलेगी तब वो करेंगे। इसके बाद आता है कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी कि या तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा स्टैमेन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पेल, या बाइसेक्सुअल भी हो सकता है कि उसमें दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। पपाया और बाइसेक्सुअल का है हिबिस्कस और मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल का है हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो आज हमने जो ये रिप्रोडक्शन पढ़ा है ये रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है। फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे सक्सेसफुल प्लांट ग्रुप का नाम है, इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे प्लांट ग्रुप्स भी होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में जैसे 11th में पढ़ेंगे। तो इनका हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड और सबसे बड़ा और सक्सेसफुल ग्रुप था प्लांट्स का। बाकी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है यानी ह्यूमंस में, वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।